हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीडीएस एकेडमी। आज है सैटरडे, मींस कि आज हम लोग कौन कौन से लेसन्स आज हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। OWAS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स और द हिंदू का वर्ड मीनिंग। OWAS मतलब हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द यानी कि OWS। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सीखेंगे OWS कुछ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इन जो लेसन्स का PDF चाहिए, वो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, द एमपीटीएस एकेडमी। वहाँ पे आपको सारे PDF जो हैं अवेलेबल हैं, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पहला OWS लेसन का सीखते हैं। देखिए, अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स। अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट, प्यार करता है, कलेक्ट करता है मतलब संग्रहित करता है, कलेक्ट मतलब संग्रहित करना, एक जगह करना, संग्रहित करना। पोस्टेज स्टैम्प्स मतलब कि जो डाक टिकट होते हैं उनको वो कलेक्ट करता है, उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फिलैटिलिस्ट, LATELIST मतलब होता है टिकट संग्रही। क्या बोला जाता है इसे, टिकट संग्रही। ठीक है, जो टिकट कलेक्ट करता है, डाक टिकट कलेक्ट करता है, उसे कहा जाता है फिलैटिलिस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ लेडीज हैंड बैग और वर्क बैग। एक औरत, एक लेडी का हैंडबैग जो कि वो जनरली अपने कंधे पर टांग कर चलते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका रेटिक्यूल। उसे क्या कहा जाता है, रेटिक्यूल, RETICULE। ठीक है, रेटिक्यूल मतलब कहा जाता है इसे हिंदी में आप बटुआ कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इन वर्ड्स को जनरली यूज करिए अपने आम भाषा में, जैसे आपकी मम्मी आपकी बाजार जा रही हैं, ठीक है, तो उनका जो पर्स होता है वो छोटा सा पर्स होता है, हैंडबैग जो होता है वो आप उन्हें हाथ में दीजिए और वहाँ पे आप ये वर्ड यूज करिए, रेटिक्यूल, RETICULE। ठीक है, मतलब कि बटुआ। ठीक है, रेटिक्यूल मतलब हो गया बटुआ। चलिए देखते हैं आगे। किलिंग वंस आउन सिस्टर, अपनी बहन की ही हत्या कर देना, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सोरोरीसाइड, SORRICIDE मतलब कि बहन की हत्या, बहन की हत्या, अपनी ही बहन की हत्या को कहा जाता है क्या, सोरोरीसाइड। ठीक है, किलिंग वंस आउन सिस्टर, आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, जो करते हैं वही जाने, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, फिर भी हमें यहाँ पे OWS सीखना है। तो चलिए देखिए, किलिंग वंस ऑन सिस्टर यानी कि सोरो रिसाइड मतलब कि बहन की हत्या। ठीक है, देखिए आगे। अ वायलेंट स्टॉर्म, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है चक्रवात, चक्रवात। ठीक है, इसे इंग्लिश में मतलब OWS की भाषा में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टोर्नाडो, टोर्नाडो, TORNADO। ठीक है, ये स्पेलिंग्स आप हमेशा जो है सही लिखिएगा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि हम लोग गलत ना सीखें, जितना हो सके हम लोग सही ही यहाँ पर सीखना है, अच्छे मार्क्स लाना है, अपना रिजल्ट लेना है। ठीक है, देखिए आगे। फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्मॉल स्पेस, ऐसा भय जहाँ पे आप एक छोटे से जगह पर बंद हो जाते हैं, ठीक है, छोटे से जगह पर बंद हो जाते हैं, उस जगह पे आपको डर लगता है, मतलब छोटे से जगह पर फंस जाना, बंद हो जाना, और उसका भय, वो क्या कहलाता है, क्लॉस्ट्रोफिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, फोबिया मतलब ऐसे भी होता है, देखिए फोबिया आपका जो सिंगल वर्ड हो गया वो आपका हो गया फोबिया, मतलब होता है डर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका भय या फिर डर, और क्लॉस्ट्रो हो गया आपका मतलब कि छोटे से रूम में बंद हो जाने का भय, ये हो गया आपका क्लॉस्ट्रोफिया, मतलब होता है भय, छोटे से रूम में बंद हो जाने का भय। चलिए देखते हैं आगे। शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, ठीक है, इसे कहा जाता है निर्भीक, मतलब कि
जो रिस्क लेने में हिचकिचाता नहीं है, तुरंत जो है वो रिस्क ले लेता है, क्योंकि रिस्क लेने में कभी कभी आपको रिवार्ड भी मिलता है, ठीक है, तो रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑडासियस, ऑडासियस, ठीक है, AUDACIOUS, AUDACIOUS, मतलब ऑडासियस मतलब हो गया निर्भीक या फिर साहस, ठीक है। आपको रिस्क लेना चाहिए, कभी कभी लेना चाहिए, लेकिन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रिस्क लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, क्योंकि मैंने भी CGL 2016 के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में रिस्क लिया था थोड़ा बहुत। चलिए देखते हैं, मेंबर ऑफ अ ट्राइब दैट वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नोमैड, मतलब कि घुमक्कड़, खानाबदोश, ठीक है। मेंबर ऑफ अ ट्राइब, एक प्रजाति के लोग, वांडर मतलब आपका क्या होता है, वांडर मतलब होता है घूमना। देखिए आपको कोई भी स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो, उसका हिंदी नहीं पता हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर गूगल कर लीजिए, डिक्शनरी खोल लीजिए, उसमें ज़रूर सर्च कर लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स आपको 2 मार्क्स आपको PT में दिलवा सकते हैं, या फिर मेंस में भी आपको आ सकता है, तो 1 मार्क्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो भी वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम हो वो प्लीज़ तुरंत डिक्शनरी में सर्च कर लीजिए और उसका नोट, उसे नोट कर लीजिए कॉपी में और उसको रिविज़न करिए, ठीक है। मेम्बर ऑफ अ ट्राइब, ट्राइब मतलब हो गया आपका प्रजाति जो घूमते रहता है जगह से जगह, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है घुमक्कड़, क्या कहा जाता है, घुमक्कड़, यानी कि नोमैड, ठीक है, क्या कहा जाता है, नोमैड। चलिए देखते हैं आगे, अ गर्ल हु इंजॉयज वायलेंट गेम्स, मतलब एक लड़की जो लड़के की तरह आचरण करती है, लड़के की तरह बिहेव करती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टॉम बॉय, क्या कहा जाता है, अ गर्ल हु इंजॉयज वायलेंट गेम्स, एक लड़की जो है वो लड़के की तरह एक्ट करती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टॉम बॉय, ठीक है। तो ये है आज का कुछ इम्पोर्टेंट OWS, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपके लिए ये ज़रूर यूजफुल होगा। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि जो भी आप शेयर करिएगा और भी लोग देखेंगे इसे, हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, अगर उनको भी लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आप भी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लासेस में, थैंक यू।